लेक्चर नंबर सेवेंटी कौन सा था ये टर्म टेस्ट हुआ क्वेश्चन नंबर टू है पास पेपर का ये सवाल है लेकिन मैंने उसमें कुछ चेंजेस की हुई हैं तो बिला वजह पास पेपर्स में से खोल के या चैप्टर एटीन में से खोल के परेशान नहीं होना जो मैंने अभी करवा रहा हूँ वो करवाएं बाकी चीज़ें फिर कभी करवानी है आज़ादी इंड कंपनीज़ अ सोल प्रोवाइडर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैनुफेक्चरंग ऑफ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशज़ बिन एक्सपेक्टेड फ्राम इस रिकॉर्ड और एंड इीस जून दो हज़ार बाईस तो लॉस है जी सिक्सटी सिक्स का वहां से स्टार्ट करें इधर आ जाए फर्स्ट सवाल का फेस तो कोई खास इतना है नहीं इसलिए मैं वर्किंग वन यहीं से शुरू कर रहा हूँ। भाई ब्लैक मार्कर ला दे कौन बोल रहा है अकाउंटिंग वालों का लॉस सिक्सटी सिक्स मिलियन या थाउजेंड रुपीज इन थाउजेंड में कर लें सवाल ओके पेज नंबर टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर टू अच्छा जी तो अब तो घर में प्रिंटर रख लिया होगा आप लोगों ने ओ... तो... और... क्या करने जा रहे हैं नहीं 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 अभी बस ठीक है फोन पे फिर बताया करें खर्चों में, में पेमेंट पड़ी है फॉर परचेज ऑफ मशीन ओ खर्चों में पेमेंट पड़ी है फॉर परचेज ऑफ मशीन द ट्रांजेक्शन वॉज कैरिड आउट ऑन सॉल का पहला दिन यकम जुलाई इक्कीस तो खर्चों में मशीन की पेमेंट पड़ी है तो हाइब्रिड वाले हाइब्रिड में जाएँ तो खर्चों में मशीन की पेमेंट पड़ी है तो हाइब्रिड वाले हाइब्रिड में जाएँ खर्चों में हाइब्रिड वाले हाइब्रिड में जाएँ <laughs> ख़र्चों में मशीन की पेमेंट पड़ी इधर से ही चले जाना ख़र्चों में मशीन की पेमेंट पड़ी है तो एसेट इधर आ जाओ पहली रो में एसेट का ख़रीदना ख़र्चों में पड़ा नहीं होना चाहिए तो इसको उल्टा के इसके टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन और इनिशियल लाउंस माइनस कर देंगे ऐड कर दें आ, अच्छा कुछ बच्चे किसी जगह पे किसी क्लास में बैठते हैं इस वाले क्लास वाले कहीं और बैठते होंगे वो कहीं और बैठे हुए हैं तो भाई ये एक अपना माइंड सेट सेट कर लें आई कैप में जाके आपने पेपर में भी किसी नई जगह पे बैठना है तो कोई बंदा फील करते ना वो हो मैंने दूसरी रूम में बैठना था मैं तीसरी रूम में मैडम मैडम <laughs> तो ये ज़िंदगी में इन चीज़ों से ज़रा बाहर निकल आएं थोड़ा सा ज़रा बड़े हो जाए बस ठीक है जो हो गया आप हो गया करें बस अच्छा जी स्कोर टाके इसकी जगह अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसन इनिशियल लाउंस माइनस कर दें एड बैक कॉस्ट चौदह हज़ार चले साथ साथ करते जाते हैं एंड लेस टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस भाई फोन करके मार्कर का कह दें किसी को चौदह हजार इंटू पच्चीस परसेंट क्या मसला भाई बोल क्यों रहे हो टैक्स वालों की डिप्रीसिएशन चौदह हजार माइनस पैंतीस सौ बिल्डिंग के लिए दस कंप्यूटर के लिए तीस बाकी सबके लिए पंद्रह परसेंट वन फाइव सेवन फाइव तो कॉस्ट उल्टा के इनिशियल लाउंस और डिप्रीसी माइनस कर दी करूं मैं फ़ोन या आपने कर दिया उधर ही रखो नोट कर लें वापस लें जो शुक्रिया हाइब्रिड में लेटाने में एनोल्ड मशीन

अच्छा अब अगर आप इस डेटे को देखना चाहें तो अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू मुझे शायद चाहिए नहीं कि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस अगर हुआ तो वो सिर्फ खुद मुझे निकाल के देना चाहिए बहुत रेयर है कि वो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस निकलवाए लेकिन अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू दे दी है और क्या दे दिया साथ फेयर वैल्यू दे दी अभी ये नहीं बताया सर बेकार कितने के इस इनफॉर्मेशन को ज़रा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ वो फ़ारक सी एडजस्टमेंट थी जो मैंने की है ये एडजस्टमेंट जरा देख लें वो अभी भी वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं एन ओल्ड मशीन हैविंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ इथ नॉज डिस्पोज ऑफ द दर इसमें मैं कुछ वर्किंग अगर खोलना चाहूँ तो डेट विल बी लाइक दिस के ओल्ड मशीन का अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस और ओल्ड मशीन का टैक्स वालों का गेन लॉस क्या होना चाहिए अभी इतनी सी लाइन को पोस्ट करते हैं एन ओल्ड मशीन हैविंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ फाइव एन ओल्ड मशीन हैविंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ फाइव एक ओल्ड मशीन जिसकी अकाउंटिंग बुक वैल्यू फाइव है इज इट सो अकाउंटिंग बुक वैल्यू फाइव है एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ फोर मिलियन और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है फोर मिलियन कॉन्सिडरेशन रिसीव हायर ऑफ फेयर वैल्यू और कैश रिसीव्ड वट इज फेयर वैल्यू फोर लेस टैक्स वालों की डब्ल्यू डी गेन लॉस निकाल ना डेन तो नहीं निकालनी और अकाउंटिंग वालों की जो कंसिडरेशन है वो मेरे ख्याल से एक्चुअल कैश रिसीव होते हैं अकाउंटिंग वाले टीचर ने कभी नहीं कहा कि डिस्पोजल अकाउंट बेचा बनाने लगे हो तो बताओ कैश कितना है और बाजार में कितने का बेच सकता था दोनों में से हायर के अकाउंटिंग के टीचर शायद आपको याद होगा डिस्पोजल अकाउंट में हमेशा कैश की फिकर लेके जाते हैं तो अकाउंटिंग में हायर ऑफ का चक्कर नहीं होता कंसिडरेशन रिसीव का अकाउंटिंग में मेरे खास ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा हुआ लेकिन टैक्स के अंदर अगर आप देखें तो सेक्शन 77 जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा होगा कंसिड्रेशन रिसीव्ड इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू और कैश रिसीव तो जो सवाल का डाटा जैसे जिस फॉर्म में अवेलेबल था मैंने आपके सामने लिख दिया है मैं दोबारा पढ़ देता हूँ एन ओल्ड मशीन हैविंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ इतने वॉज सोल्ड देखें जी एंड ओल्ड मशीन काउंटिंग बुक वैल्यू एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ इतने वॉज डिस्पोज नोट कर लें इधर आ जाओ ना इधर से बैठना शुरू कर दो एंड से एंड से एंड से बैठना शुरू कर दो पता नहीं कोने पर बैठ के जल्दी सी हो जाए एंड से बैठना शुरू कर दो कुछ नहीं होता तो बैठ के भी इसे तरह समझ आते तो आज मैंने आपको अकाउंटिंग वालों का गेन और टैक्स वालों का गेन लॉस इन दोनों का फॉर्मूला बता दिया अकाउंटिंग वालों का गेन अकाउंटिंग के टीचर कैसे निकलवाते हैं क्लास में कैश रिसीव्ड माइनस बुक वैल्यू और टैक्स वालों का गेन लॉस निकालने के लिए कंसिड्रेशन को फिर हायर ऑफ करके लेते हैं ओके चलें डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड इन एसीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ओल्ड मशीन की डिस्पोजल अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड नहीं की तो अकाउंटिंग वालों का गेंद लॉस फिर उल्टाने की जरूरत नहीं है अल्लाह का शुक्र है अकाउंटिंग वालों का गेंद लॉस उल्टाने की जरूरत नहीं है बेचारा अकाउंटेंट भूल गया है अकाउंटिंग वालों का गेंद लॉस रिकॉर्ड करना अब हम उल्टएं या बस फिर छोड़ें फिर अब क्या करना है नहीं नहीं सर फिर भी अकाउंटिंग वालों को गेन लॉस अकाउंटेंट ने निकाला तो होगा ना डिस्पोजल ऑफ फोल्ड मशीन इज़ नॉट रिकॉर्डेड नहीं सर फिर भी कुछ ना कुछ तो वो लेके गया होगा ना नहीं अकाउंटिंग वालों के टीचर ने कुछ ना कुछ तो अकाउंट बनाया होगा ना डिस्पोजल ऑफ फोल्ड मशीन इज़ नॉट रिकॉर्डेड नहीं सर मैं पता नहीं अब आप क्या कह रहे हैं लेकिन मेरे तो ख्याल से डिस्पोजल ऑफ फोल्ड मशीन इज़ नॉट रिकॉर्डेड और उस क्या क्या किया उसने कहाँ इंक्लूड किया क्या कहाँ क्या किधर इंक्लूड कहाँ लिखा है ऊपर कहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड भैया कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड यहाँ से आगे नहीं पढ़ना होता है, इस फुल स्टॉप के बाद इस फुल स्टॉप के बाद आपने कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड नहीं पढ़ना होता मैंने कह दिया था पहले फुल स्टॉप के बाद आगे नहीं पढ़ना आपने ये बस पहले फुल स्टॉप तक के लिए होता है उसके आगे के लिए नहीं होता ना 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 ना, ना. अनलेस के उनके साथ बुलेट लगा दे अनलेस के उनके साथ बुलेट लगा दे बुलेट एक ही दफ़ा लगा हुआ ऊपर तो बात याद रख लीजिएगा इंक्लूड का लस हमेशा हर क्लास में मैंने कहा था उनकलूड का जिसके साथ लंस लिखा होता है उसके पास उल्टाना होता है एज इट इस चौदह ये चौदह मैंने उल्टा दी अपनी बात पर कायम हो मैंने कहा था इंक्लूड को उल्टाना होता है वो उल्टा दिया अच्छा सवाल आपने पूछा बड़ा जो जिसके साथ बुलेट लिखा हुआ है बस वही है कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या इंक्लूड है बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई ने तो हम ओहो इसको क्या हो गया स्ट्रोक की तरह अच्छा तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या पड़ा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ आज बस कॉस्ट ऑफ सेल में ये पढ़ा हुआ है आई होप इट्स फेयर नाउ जो फुल स्टॉप तक लिखा होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल में पढ़ा हुआ है बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ा होता अब आप लोगों ने जो भी किया वो आइंदा क्या करना है वो मैंने बता दिया दे 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 नहीं नया बुलेट शुरू होना चाहिए नया बुलेट शुरू होना चाहिए बता दिया मैंने बस आगे चले टैक्स वालों की बीवी और फोल्ड मशीन वो सेम एज अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी तो हमें चाहिए थी टैक्स वालों की बीवी और फोल्ड मशीन बस सेम एज़ अकाउंटिंग वालों की बीवी अकाउंटिंग वालों की बीवी अकाउंटिंग वालों की बीवी अकाउंटिंग वालों की बीवी बस सेम तो टैक्स वालों की बीवी अकाउंटिंग वालों की बीवी अल्लाह का शुक्र है दोनों बराबर है तो टैक्स वालों की बीवी बॉज इक्वल टू अकाउंटिंग वालों की बीवी कैश रिसिव सवाल में बताया नहीं तो बस ज़ीरो है अब कितना है मुझे नहीं पता एनी बेस हायर ऑफ क्या आ जाएगा और तो, Consideration received is higher of actual or fair market value. Okay. Kya gaya? loss. Less tax or Loss. One thousand, <coughs> One thousand sorry. आई डिड ऑल इन मिलियन मैं लिख देता हूँ मादरत चले छोड़े क्या 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 मतलब तरतीफ से जान ले लेते हैं ये लोग करा देनी थी सर हमें ऐसी एडजस्टमेंट टेस्ट से पहले हमें भी ऐसा मसला ना होता आप बी ए कर लें उसमें ये होता है जो एडजस्टमेंट क्लास में कराई जाती है वही आ जाती है कर लें बी ए अच्छा आगे चलें बुलवाया ना करें बांट सवे पूरा टर्म टेस्ट कॉपी करा लिया तो आगे पीछे से एक सफा का था वही है ना बस अच्छा हाइब्रिड में कौन गया है? भाई हाइब्रिड से इधर आए दोनों हाइब्रिड से आए जल्दी आना पड़ेगा वरना मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ ये इसका सोल्यूशन भी ला दिया नहीं नहीं आई यारोल्यूशन तो नहीं देना था यार सोलूशन में तो एक चीज़ मैंने सही करनी थी सोल्यूशन तो मैंने मना किया था वहीं चले बता देता हूँ सोल्यूशन में मैं सही करके अपलोड करूँगा वैसे तो ठीक है सोलूशन में कोई तो मसें टेक्निकली सारी चीज़ें सही हैं चलें ठीक है सारे अभी देख लें सोलूशन पेबल टू गवर्नमेंट मैच कर लें नहीं होता तो फिर इधर देखें बस नहीं मिला ना वो बिल्कुल मिलना भी नहीं चाहिए चले आगे चलें बांटो यार्टो बानटो अच्छा जी किसी को ना मिलाओ इधर ले आओ दो तो लोगों को चलें छोड़ें अभी इधर टेंटे हो रहे हैं भाई दूसरी हाइब्रिड में भी आ रहे हैं सफ़े भाई दूसरी हाइब्रिड में जा के बांटो अच्छा छोड़े छोड़ें इधर देखें परचेजेस की फ़िगर रिवाइज करें जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैमरा उधर रखो किसी ने नोट करना दो अच्छा भाई मैं सबके लिए सवाल दोबारा पढ़ देता हूं इधर लाना विंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइव एंड फोर वॉज सोल्ड एंड ओल्ड मशीन हैविंग अकाउंटिंग बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू वॉज सोल्डल ऑफ ओल्ड मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स इसलिए उल्टाने की जरूरत नहीं है कोई गेन लॉस ये तो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी बस द टैक्स वालों की बीवी इज इक्वल टू अकाउंटिंग वालों की बीवी ठीक है दोनों बीवियाँ बराबर हो सकती हैं ऑके तो है बंदा सही नहीं है अच्छा मे अल्लाह गिव यू अच्छा पेज वन थर्टी थ्री परचेज डिस अलाउड की हमने फिगर निकालनी होती है परचेज डिस अलाउड इज लोअर ऑफ परचेज ऑन विच ये पेज 133 पे हमने इस तरह का सवाल किया था परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल परचेज अच्छा उस तरह ना बात कीजिएगा असल में एक तरीका है सेल से चलने का सेल से जब हम चलते हैं ना जी भाई हाँ वो वर्ड फोटोकॉपी हो रही है इसलिए मैंने उनको भी कह दिया अभी वहाँ से ना देखें शुक्रिया अच्छा तो परचेज में ना हम सेल से चले थे सेल से जब चलते हैं ना तो मैं आपको बताऊंगा टोटल माइनस नॉट अलाउड अलाउड माइनस करते हैं सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं ये किसी और दिन की बहस है इसको इंशाल्लाह करेंगे मुझे अभी सिर्फ बता दें जब आप प्रॉफिट से चलते हैं तो प्रॉफिट से चलते हुए आप है फाइन क्यों ऐड करते हैं वो नॉट अलाउड होता है बिल फॉर सैलरी पच्चीस हजार से ऊपर कैश में पे कर दी वो क्यों आप एड बैक करते हैं नॉट अलाउड है तो डिसअलाउड की फिगर परचेज की कैसे निकालनी होती है जरा पेज 133 पर कैसे निकाली थी याद है परचेज डिस परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल परचेज ये फार्मूला जहन में रखकर मुझे डिसअलाउड की फिगर आपने निकाल के देनी है अल्लाह आपके साथ वाले का भला करें परचेज ऑफ रॉ मेटीरियल ऑफ फोर्टी मिलियन अगेंस्ट विच नो टैक्स वॉज डिडक्टेड हाउ एवर वी परचेज रॉ मेटीरियल ट्वेंटी वॉट इज टोटल परचेज वट इज द परचेज ऑन विच इज इज नॉट 40 आप इस फॉर्मूले को सामने रखें भाई उस रोम उस क्लास में किसी को भेजो मैं इकट्ठा टाइम दूंगा नोट करने का बॉयज हाइब्रिड में परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड ये हमारी वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी वर्किंग नंबर फोर अच्छा जी परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड बताए फोर्टी ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल परचेज वट इज नॉट अलाउड लोर नोट कर लो वर्किंग फोर पेज वन थर्टी थ्री पे ना चले जाइएगा खुदा के लिए कितने मासूम ना बना करें पिछले से पिछले बुद्ध को एक बच्चा मिला चार पेपर एक में चार दूसरे। में सिनमिन बंद कर दें घर में भी लगे रहते हैं हर वक्त अच्छा जी इट इज वर्किंग फॉर परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड बता दें जी नॉट अलाउड खर्चों को क्या करते हैं ये वर्किंग थ्री फोर से बताया करेंगे या फिर उसे कहा करेंगे ढूंढ खुद भी ढूंढ ढूंढ देख मैंने निकाली हुई है ढूंढ कहेगा मैं क्यों न पहुंच चुके पांडित कितने लोगों को ये एडजस्टमेंट भूली हुई थी टेस्ट में भी बड़ा गाग कर दिया इसका अच्छा जी आ, नहीं सर दो दफ़ा तो कम से कम क्लास में कराया करें ना मैं तो देखे ना मैं तो इंसान हूँ तो दो दो दफा सारी चीज़ें कर लेते हैं सेल्स टैक्स को छोड़ के चले जाते हैं फिर इनकम टैक्स की चीज़ें दो दो दफ़ा कर लेते हैं बकत के लिए क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ डैमेज फिनिश्ड गुड्स ऑफ अट्ठारह कॉस्ट ऑफ सेल में अठारह पे पड़ी है ड्यू टू हैवी रेन हैवी रेन की वजह से अनिया बारिश दीज गु था एंड एक्सपेक्टेड टू रिलाइज ओनली यू ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व क्या होगा एनआरबी तो फिर रिटीन क्या होगी सोचें कॉस्ट रिटीन फिर कॉस्ट होगी क्योंकि एक्सपेक्टेड टू रिलाइज ऑनली यू ट्वेल्व तो ट्वेल्व इज नाउ एनआरवीन इज कॉस्ट ऑफ सेल में किस पे पड़ा है कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडीन कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट पे पड़ा है पड़ा किस पे होना चाहिए एनआर वी पे नहीं लोअर पे लोअर क्या है पड़ा किस पे हुआ है कॉस्ट पे अच्छा ठीक कोई बोल रहे कोई कॉस्ट बोल रहे तो 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 पड़ा किस पे हुआ है कॉस्ट पे पड़ा किस पे होना चाहिए लोअर पर ना। 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 लोअर क्या है अब पड़ा किस पे है अठारह पे पड़ा किस पे होना चाहिए बारह पे क्लोजिंग स्टॉक जब छह से कम होगा तो प्रॉफिट भी 6 से क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि आपको पता है जैसे जब बंदा जेट त्यारे पे ऊपर जाता है तो जेट त्यारा भी ऊपर जाता है ऐसा ही होता है ना ये तो नहीं होता कि बंदा ऊपर जा रहा है जेट तेरे पे जेट तेरा नीचे आ रहा हो हाँ कई दफ़ा ऐसा होता है पैराशूट ऊपर जा रहा होता है बंदा कट के रस्सी नीचे आ रहा होता है वो फिर और समय क्लोजिंग स्टॉक कम क्यों कर रहा हूँ मैं 18 पे पड़ा हुआ है उसे कम करना है क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा डिक्रीज इन प्रॉफिट लेस कर दें डिक्रीज़ इन प्रॉफिट या आप इसको आप ये भी कह सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एनआरवी लॉस एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना खर्चे रिकॉर्ड करने माइनस साइन के साथ डिक्रीज इन प्रॉफिट छ हजार आप तो दोनों पूर्वकार बच्चे हो आप क्यों बातें कर रहे हो वो तो नॉन वकार बातें करें पैसे देख रहे हैं जैसे अभी मैंने को मुंह से एडजस्टमेंट बोलनी है उधर चला जाओ डरा देते हैं एक ही दफा जिसने वो ये बोलने बोल ले नहीं जरूरी नहीं है हर बुलेट के साथ वो हो हो सकता है कहीं अच्छा किया अभी बोलना पड़े सैलरी के ख़र्चों में सैलरी पड़ी हुई है पॉइंट टू सेवन फाइव मिलियन की जो कि ऑफ़िस बॉय को पे किया इन कैश जहरी बात है ऑफ़िस बॉय को दस पंद्रह मिलियन तो तनख्वाह नहीं देनी थी पॉइंट टू सेवन फ़ाइव मिलियन उसे तनख्वाह दी है तो पॉइंट टू सेवन फ़ाइव मिलियन असल में बनता है टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड और अगर किसी को इस प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम है तो उसका तरीका ये होता है कि इसको अगर रुपीज़ में आपने कन्वर्ट करना है तो इस फिगर को मल्टीप्लाई कर दिया करें कैलकुलेटर पर एक और उसके बाद छः सिफ़र लगा के ये फ़िगर रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाती है ये बात सुन लें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इक्का दुक्का बच्चा क्लास के अंदर सही कर रहा होता है बाकी नाइन्टी गलत कर रहे होते हैं तो ये बात सुन लिया करें गौर से तो पॉइंट टू सेवन फाइव को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो देखो पॉइंट टू सेवन फाइव के साथ लिखें मिलियन तो कैलकुलेटर पे करेंगे मल्टीप्लाइड बाय वन मिलियन जरा बरकत के लिए चेक करें दो लाख पिचहत्तर हज़ार अब ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया तो मैं यही नहीं चाह रहा कि आप डायरेक्ट थाउजेंड में कन्वर्ट करें आप साइंसदान बन जाए कोई मसला नहीं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें क्या इक्का दु का फिगर ऐसी आ जाए तो ठीक है उसको तो तो रिलैक्स होकर चलें अब थाउजेंड काट दें तो फिगर क्या बनेगी टू सेवनटी फाइव अगली डिस्कशन अलग है कि ये अलाउड है या नॉट अलाउड है तो सैलरी ऑफ पॉइंट टू सेवन फाइव पेड टू ऑफिस ही वॉज मंथली सैलरी ऑफ पच्चीस हज़ार फॉर एलेवन मंथ्स अब ये पर मंथ नहीं है कि सरकार इसको अलेवन से मल्टीप्लाई करना था अलेवन से मल्टीप्लाई करने वाले हाथ खड़ा करें जिन्होंने अलेवन से मल्टीप्लाई किया उसके साथ लिखा ही नहीं हुआ सैलरी ऑफ टू पॉइंट टू सेवन फाइव इसके साथ कहीं लिखा हुआ है रात हजरात समझे थे कि शायद ऑफिस बॉय को दो लाख पचहत्तर हज़ार महीने की तनख्वाह दे दी जाती है <laughs> तो फिर ऑफिस बॉय की दे दो लाख पचहत्तर हज़ार की तनख्वाह ले लेते हैं तो बहरहाल इस तरह तो फिगर्स को नहीं देखना होता कि इनका रेशनल क्या है मादरत इस तरह तो नहीं देखना होता ऑफिस बॉय इतनी तनख्वाह हो सकता है कोई दे दें को दे दें मेरा सवाल है इसके साथ पर मंथ लिखा हुआ या नहीं तो फिर इस लेवन मंथ्स वाली लाइन को इग्नोर करना था वॉज इट अ कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन और वॉज इट अ कॉन्सेप्ट ऑफ देथ सो इफ दैथ इज़ नॉट देयर सो यू शुड फेस द प्रॉब्लम्स अच्छा जी अगला मसला ये है कि इसने बॉर्डर पर रख के टेस्ट किया हमें 25,000 पता नहीं उधर 25,000 से ऊपर वाली लिखा हुआ वा है या 25,000 वाली वाले भी लिखा हुआ है हमें तो यही भूल गया हुआ है इसे कहते हैं बॉर्डर पर रख के टेस्ट करना एक्सीडिंग 25,000 आपने क्रॉस सेक्स से देनी है ये तो 25,000 है बोले तो 25,000 है हजार है।, है तो 25,000 है तो खैर है अच्छा किया माइनस कर लिया अच्छा जी लेस के साइन के साथ शो कर दें दोबारा माइनस करने की जरूरत जी एक मिनट पहले जी टैक्स काटा होगा वैसे तो दो लाख पचहत्तर हज़ार है लाख से कम में टैक्स काटना क्यों था बाकी बा। ज्यूम करेंगे फॉलो हो, स्वाल स्वाल हो रहा है अगर सवाल साइलेंट होगा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा हुआ टैक्स नहीं बिला वजह गलत बात क्यों ज्यूम करनी है कि टैक्स नहीं कटा कह, कहाँ लिखा हुआ नहीं कटा मेरा तो सवाल जी बोले इधर कौन सवाल पूछ रहे हैं 25 लाख से ज्यादा नहीं 25 लाख से ज्यादा तो कोई चीज भी नहीं हमने देखनी पूरे लॉ में वो ढाई लाख से ज्यादा वाली एक देखी थी लेकिन वो रूल तो सैलरी पे लगता ही नहीं सैलरी के लिए तो पर मंथ वाला रूल है सैलरी के लिए पर एनम वाला रूल है ही नहीं ढाई लाख से ज्यादा वाला चक्कर वो तो अदर खर्चों के लिए था सैलरी के अलावा वेयर यार मेरा कोई दोस्त नहीं है मैं किससे बातें करूं खड़े हो जाओ वेयर हाउस रेंट ऑफ सोलह लाख रुपया पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है तो इक्कीस काइल कहते हैं कि क्रॉस चेक से पेमेंट कर दें क्रॉस बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दें क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट कर दें या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें अलाउड है कोई मसला नहीं क्रेडिट कार्ड से भी अलाउड है और बैंक अकाउंट जो है वो नोटिफाई किया हुआ है हमने बोर्ड को तो चैप्टर पंद्रह में हमने पढ़ा था कि अगर आप ने कोई ख़र्चा करना है जी अब्दुल्ला ठीक और किसी को सफ़े चाहिए हाथ खड़ा कर दें ये इन रोज़ में आके बांट दें आप लोगों के सबर को मैं दाद देता हूं काश हम में भी आप जितना सबर अच्छा हाथ खड़ा रखें जब तक सफे ना मिल जाए रखें सरकार जब तक सफा ना मिल जाए ये क्या बात हुई बात को हाथ खड़े बगैर मिल गया मुझे हाथ खड़े करके मिल रहे हैं इस तरह की सोचे ना सोचा करें अपने गांव के लिए मुझे क्यों फोल्डिंग सीट मिल गई बस में मैंने तो और किसी को सफर चाहिए हो चले ठीक है एक्स्ट्रा है त्राथ मुझे त्राथ दे देना मैं अपने बच्चों को जाकर दे दूंगा दे। <laughs> छाट देते हाल करने बिजनेस बैंक अकाउंट आप लोगों को साढ़े तीन तक फ्री भी करना है बिजनेस बैंक अकाउंट साढ़े तीन तक नहीं सॉरी क्या बात हुई थी हमारी थ्री ट्वेंटी तक यानी फोर्टी अच्छा ठीक है एवरे टेयर शेल डिक्लेयर टू कमिशन बैंक अकाउंट बिजनेस बैंक अकाउंट शेल भी डिक्लेयर थ्रू ए बिजनेस बैंक चपे 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 एन एक्सपेंस इनकट फॉर बिजनेस परसल नॉट अलाउड फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर आपने बैंक अकाउंट वो वाला नहीं बताया हुआ बोर्ड को लेकिन अभी तो आपने बोर्ड को यह बैंक अकाउंट बताया हुआ है तो बताए हुए बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो हमें और क्या चाहिए तो ये खर्चा अच्छा किया माइनस कर लिया तुमने तो ठाकुर तो क्या करें माइनस हो चुका है। हुआ हुआ मोबाइल वाल मोबाइल इधर मोबाइल देख क्लास के बाद भी मोबाइल जी लेस वेयर हाउस रेंट किस दिन किसी दिन बकर मुहरम की छुट्टियों से आज़ाद होकर आप तशरीफ़ तो लाएँ और आ, हमें वक्त की कैद ना हो ये जो वक्त की कैद होती है ये तो मुनासिब नहीं अच्छा जी ख़र्चों में शामिल है बैड डेट जो कि हमने राइट ऑफ कर दिया है फ्रॉम अ कस्टमर क्योंकि उसकी इंसॉलवेंसी हो गई है यानी आप वो लोगों के पैसे वापस नहीं कर सकते यानी बोर्ड यानी कि कोर्ट्स ने उसको मुल्क में डिक्लेयर कर दिया है अच्छा जी हमने कितना ख़र्चों में बैड डेट डाला अट्ठाईस लाख हमने खर्चों में कितना बैड डेट डाला अट्ठाईस लाख टैक्स वाले कहेंगे ये बैड डेट आपको माइनस करने की इजाज़त है अगर तीन शराय पूरी हो रही हैं, तो ये बैड डेट आपको माइनस करने की जाते हैं हमेशा अच्छी चीज रिज्यूम करनी है पेपर में बुरी चीज रिज्यूम नहीं करनी प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम जी बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कस्टमर कस्टमर से पैसे लेने थे तो इसका कस्टमर को इसका मतलब है सेल की होगी एम्प्लॉय को लोन नहीं दिया होगा कस्टमर को सेल की होगी और दूसरी बात डेट इज रिटर्न ऑफ इन द अकाउंटिंग बुक्स खर्चा इंक्लूड बैड डेट तो इट इज रिटर्न ऑफ इन अकाउंटिंग बुक्स मैक्सिमम उतना खर्चा माइनस करने दिया जाएगा जितना अकाउंटिंग की किताबों में लिखा हुआ है ठीक है टैक्स वाले भी 2.8 तक माइनस करने देंगे द बैड डेट शेल नॉट एक्सीड द बेटर रिटन ऑफ इन बुक्स रिटर्न ऑफ इन बुक्स इज अठाइस लाख टैक्स वाले भी अठाईस लाख तक माइनस करने देंगे ज्यादा नहीं एंड देर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट डेट इज रिकवरेबल रीजनेबल ग्राउंड बड़ा क्लियरली अवेलेबल है कि इंसॉलमेंट हो गया है लेकिन अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो हम एज्यूम करते कि रीज़नेबल ग्राउंड अवेलेबल हैं अच्छी अच्छी बातें एज्यूम करते हैं तो अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला है अठाईस लाख का बैड डेट टैक्स वाले कहते हैं कि ये खर्चा आपको तब माइनस करने की इजाज़त है जब पास में इनकम में जा चुका है हमने कहा जा चुका है ये खर्चा आपको तब माइनस करने की इजाज़त है जब अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया है हमने कहा डाल दिया है टैक्स वालों ने कहा यह खर्चा तब माइनस करने की इजाज़त है जब रीजनेबल ग्राउंड्स हों हमने कहा हाँ रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं टैक्स वालों ने कहा ये खर्चा तब माइनस करने की इजाजत है जब आप उतना ही माइनस करो जितना अकाउंटिंग में माइनस किया हमने कहा ठीक है उतना ही माइनस कर लेते हैं जितना अकाउंटिंग में माइनस किया तो चारों शरात पूरी हो रही थी तो इस पॉइंट को भी इग्नोर करना था पेपर में हाँ अगर खुदाना खासा ये लिखा होता जिस तरह हमने सवाल किया था कि पेज वन के ऊपर के इस तक पहुंचते हुए दो लाख का बेडेट माइनस हो चुका है हाउ एवर कमिश्नर ने सिर्फ वन अलाउ किया अगर कोई ऐसी लाइन लिखी होती कि इस कमिश्नर ने इतना अलाउ किया है तो फिर हम अकाउंटिंग वालों का अट्ठाईस लाख उल्टाते और टैक्स वालों ने फुल स्टॉप के आगे को लाइन लिखी होती टैक्स वालों वाला बैड डेट क्या करते माइनस करते तो अकाउंटिंग वालों ने बेडेड खर्चे में डाल दिया टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया बैडेड खर्चे में डाला हाँ बोलो बोलो बोले बोल बिल्कुल बोले तो बोलने के लिए भाई कह रहे हैं कि ये तीनों एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करना था तीनों इकट्ठी क्यों आ गई हैं अच्छा नहीं नहीं सवाल पूछा अच्छा क्या माइनस कर दिया गाली गाली दलील का जवाब दलील से दो ना एक्चुअल बैट डेट बिल्कुल खर्चों में पड़ा हुआ है क्या करें दोबारा माइनस कर दें Pause करना चलें यार रशीद कास आगे कुछ डिसलो हो जाए मैनू तो जो जो रिदम चल रहे ना लग रहे सारे नॉट अलाउड ने नॉट अलाउड कमीशन ऑफ बारह लाख पेड टू ओनर ऑफ ए सी बाई क्रेडिटिंग द अमाउंट टू तो हिज बैंक अकाउंट पर्सनल एक्सपेंडिचर है लिख लें पर्सनल एक्सपेंडिचर है सेक्शन इक्कीस का एज लगेगा ओनर अपने आप को पेमेंट कर रहे हैं ये बिजनेस का खर्चा नहीं है आज रशीद को कहीं ऐड कराई आ रही है रशीद या रशीदा वट एवर द केस में भी ऐड करवाओ कमीशन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके हैं टैक्स वाले चपेड़ मारेंगे आप कहेंगे अच्छा किया है ना अच्छा नहीं किया बाहर निकल अच्छा किया अच्छा करते हैं तेरे साथ बारह सौ स्कॉलरशिप दिए पैंतालीस लाख सारा बजे को सारा बजे कितों आ गई वन ऑफ द अच्छा तो नौकर है साढ़ी फॉर ए सी स्टाफ मैंबर मतलब नौकरी कर रही है ए सी स्टाफ फॉर हायर स्टडीज सारा तुम क्या लोअर स्टडीज में तो जाओ ज़रा हायर स्टडीज करके आओ इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एप्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मेडिकल रीमबर्समेंट को जरा देखा जाता है और वो भी सैलरी के चैप्टर में तो ये तो ऐसी बरकत के लिए उसने लफ्ट लिखा है इन अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सारा को पैंतालीस लाख रुपये हमने स्कॉलरशिप दिया है कि सारा तुम स्कॉलर बनो जहाज़ पे जाके और जाओ कोई अच्छी सी तालीम हासिल करके आओ हायर एजुकेशन ये जो तुम्हारी लोअर एजुकेशन है ना सारी कंपनी का बेड़ा गर्क सिर्फ इसी वजह से हो रहा है तो तुम जाओ और हायर एजुकेशन हासिल करके आओ तो सारा को हमने स्कॉलरशिप दिया है तो क्या ये इनकम टैक्स है <laughs> नहीं इस तरह इसके आपने जवाब देना है <laughs> नहीं क्या इस पर टैक्स नहीं काटा <laughs> नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो मुंह बना रहे क्या ये परचेजिंग हैं जिस पर टैक्स नहीं काटा नहीं क्या ये कमीशन है सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें पता किसी को कौन सी होती हैं क्या ये उनके लिए कमीशन पे की है नहीं क्या ये इंटरटेनमेंट है नहीं इंटरटेनमेंट तो नहीं है ये स्कॉलरशिप प्रॉपर उसको तलीम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं क्या ये अनरिकगनाइज प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फ़ंड है क्या ये फ़ाइन टू गवर्नमेंट है क्या ये ओनर का खर्चे है या एम्प्लॉयी को दिया जा रहा है एम्प्लॉयी को दिया जा रहा है क्या ये पार्टनर को पेमेंट की जा रही है पार्टनर कितने साढ़ी एम्प्लॉई है वो अच्छा क्या ये कोई ख़र्चा है जो कैश में पेमेंट की है नहीं कैश में कहीं नहीं लिखा हुआ क्या ये तनख्वाह है उसकी नहीं तनख्वाह तो नहीं है स्कॉलरशिप उसको दिया जा रहा है और आ, क्या ये क्या कहते हैं कैपिटल नेचर के नहीं नहीं ये कोई प्लान मशीनरी इंटेंजेबल सॉफ्टवेयर तो नहीं है क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है नहीं क्या ये पॉइंट क्या क्या ये यूटिलिटीज़ हैं नहीं क्या ये पॉइंट क्यू है अभी पढ़ा ही नहीं अगर आप कुछ है ही नहीं सब में क्या ये एक्सपेंडिचर है टू इंटीग्रम नहीं तो इफ अ खर्चा इज नॉट अलाउड इट इज़ अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट में नजर आ रहे हैं अलाउड है आ जाए जी स्कॉलरशिप इग्नोर कर दें नॉट अलाउड की लिस्ट आपने याद करनी है बाकी सारे खर्चे अलाउड हैं मैंने आप एक क्लास में बात की थी दूसरी में नहीं की थी अगर रिश्वत भी आप दे, दे दें बिजनेस में तो वो भी कोर्ट्स ने डिसाइड किया अलाउड खर्चा है क्योंकि नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा सेक्शन 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट दे दी लॉ में कहें जब नॉट अलाउड की लिस्ट दे दी एक दफा इस तरह का भी सवाल आया था कि सी ए फाइनल में जिसका कोई कंक्लूजन ये बन रहा था कि हमारे बिजनेस का कोई फटाफुडा हो गया हमने घुंडे शुंडे कराए और गुंडों को पैसे दिए और वो जो गुंडों को पैसे दिए वो बिजनेस का खर्चा है या नहीं बिल्कुल है सेक्शन 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा स्कॉलरशिप सेक्शन 47 सेवन बोला ना ये सेक्शन 47 सेवन बोला इसको बाहर निकालो भाई ये स्कॉलरशिप सेक्शन 47 के अतबार से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर तेरह में लेकिन ये उसके लिए करेंगे सारा को जब मिलेगा अभी मैं किसके लिए सवाल करवा रहा हूँ एम्प्लॉयर जो उसको दे रहा है उसके लिए ये डिस्कशन हो रही है जिसको मिल रहा है उसके लिए डिस्कशन हो रही है जिसको मिल रहा है उसके लिए ये क्या है ये मैं कहीं जाके आपको दिखाऊंगा अगर सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट आपने मुझे पढ़ने का टाइम दिया जो मेजोरिटी लोग छोड़ के ही आगे थे दूसरी रिक्वायरमेंट तो सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट जब मैंने पढ़ने की तरफ गया तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि स्कॉलरशिप का सारा के हाथों में क्या करना है अभी मेरा सवाल है कि एम्प्लॉयर बुला रहा है अपनी एम्प्लॉ को और एम्प्लॉयी को कह रहा है अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि आपने लोअर एजुकेशन हासिल की थी अब हम आपको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलर बनाने लगे हैं जहाज पे भेज के लेस स्कॉलरशिप अच्छा किया माइनस कर लिया सर इस तरह की बातें पहले बता देनी थी ना ठीक है टर्म टू में देख लेते हैं फिर बता दी आप पेमेंट ऑफ सिक्स मिलियन फॉर द तो पर खर्चों में पेमेंट पड़ी है पेमेंट का क्या मतलब होता है कॉस्ट पेमेंट ऑफ सिक्स पॉइंट फोर मिलियन फर देश मैन्यूफेक्मेंट ऑनम अप्रैल द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम दर्चेज माना कि सॉफ्टवेयर अप्रैल बाईस से अवेलेबल था बट ए सी बट ए सी है सॉफ्टवेयर फ्रॉम अगले साल का फाला दिन लेकिन ए सी कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू करूँगा अगले साल का पहला दिन तो सेक्शन नंबर चौबीस में जा के हम साइंसदान बनेंगे और सेक्शन चौबीस में जाकर हम पॉइंट नंबर पढ़ेंगे फोर एन इनटेंजेबल डेट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन अ डे इज़ यू एज यूज्ड यूज ऑन डैट डे तो जो इन टेंजेबल अवेलेबल फ़ॉर यूज़ है एज्यूम कर लिया जाएगा वो यूज़ हुआ है हाँ, अगर कोई टेंजेबल होता है उसमें मैंने आपको कहा था जब से यूज होगा तब से आपने डेप्रिशिएट करना शुरू करना है लेकिन इसमें लिखा हुआ है जब से अवेलेबल फॉर यूज होगा तब से डेप्रिशिएट करना शुरू करना है तो सवाल में लिखा हुआ है कि द सॉफ्टवेयर ऑल दो इट इज अवेलेबल फॉर यूज साइंस देंगे ना ऑल दो का लस लगा के हमें पागल मना रहा है ऑल दो सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑल दो ये अवेलेबल फॉर यूज है लेकिन हमने यूज अगले साल किया बाईज यूज को नहीं देखा जाएगा बस अवेलेबल फॉर यूज़ अप्रैल से इंशाल्लाह हम के मोटाइज करेंगे असर इतना तो हमने सोचा नहीं था लेकिन अप्रैल से कर दिया था हाथ खड़ा करें इतना तो हमने सोचा नहीं था तो बट ठीक है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पेमेंट माइनस हो चुकी है पेमेंट पूरा सॉफ्टवेयर एसेट की कॉस्ट में जाना चाहिए या उसकी इमोटाइजेशन पूरा सॉफ्टवेयर या उसकी इमोटाइजेशन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट उल्टा दें परेशान हो रहे हैं कि सही नहीं हुआ या खुश हो रहे हैं आई कैप में जाने से पहले तैयारी हो रही है देखिए ना हर जगह दो दो किस्म की सोच रख के आप बैठ सकते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव सोच अब इट पॉजिटिव सोच के साथ यहां बैठे हैं या नेगेटिव सोच के साथ यहां बैठे हैं लेकिन ये ये सोचना पॉजिटिव रखिएगा कोई मसला नहीं जो मर्जी कर लो इन पास तो हो ही जाने ये तो बोंगी है लाइफ वो ये फाइव थी मुझे पता नहीं क्यों फिफ्टी नजर आवे पेपर में फाइव अप्रैल में मैं बता देता हूं तीस दिन होते हैं क्योंकि मुझे पता है मार्च में इकतीस होते हैं अप्रैल <laughs> में तीस मे में मे में इकतीस जून में 30 जमा तीस जमा इकती टैक्स ईयर दो हजार बाईस बीस और चौबीस लीप का साल बाईस नहीं है डिवाइडेड बाय चलो रशीद यहाँ तक तो सही हो गया अल्लाह करे आखिरी एडजस्टमेंट भी सही हो जाए मेरी यहाँ तक तो सही हो गया मेरा पेपर अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक तो मैंने भी ऐसे ही किया था लगता है मेरे पेपर को देख के सोल्यूशन बनाया गया किसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज इंक्लूड एंड इंटरेस्ट ऑफ इतने एंड इतने फुल स्टॉप तक बस एंड लीद रेंटल वॉस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के अच्छा वैसे मोजे ही मोजे हैं कुछ लोगों ने कुछ चीजों को ना समझ आने की वजह से इग्नोर किया होगा डैश डाल के उनका भी कहीं का तुक्का लग गया होगा और कुछ लोगों ने कुछ चीजों को एड बैक कर दिया होगा समझ ना आने की वजह से तो कुछ तुक्का भी इसमें लग सकता है ये भी मोजे हैं तो कितने लोगों के तुक्कों की वजह से कोई चीज़ सही हुई है अभी तक इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट को छोड़ के नहीं आना या एड बैक करके आना है या डैश डाल के लेस करके लिख के आना है तुक्का ज़रूर मारना है तुक्का तो है ही मारने के लिए 571। सेवेंटी वन हाँ कोई एक बात बताऊँ दिल पे ना लीजिएगा कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो ये सवाल पढ़ी पहली दफ़ा रहे हैं आज अच्छा इनकम फ्रॉम बिजनेस बताए टू नाइन पॉजिटिव होगी टू नाइन चैप्टर फोर में जाएं जी इस पर टैक्स देखें कितना आ रहा है रिक्लासीफाई नहीं करना किसी चीज को इसंस आंसर सॉल्व बनाया था कोई की क्लासिफिकेशन नहीं अंडर द प्रो ऑफ खाला जी का ऑर्डिनेंस एंड रूल्स में पर खालू जी कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ आजादी एंड कंपनी फॉर टैक्स ईयर 2022 ये जी न्यूमेरिकल का फेस है आज़ादी इन कंपनी इनकम एंड टैक्स दो हज़ार बाईस इनकम फ्रॉम बिज़नेस जीरो फ़ेस पे अगर आप नेगेटिव भी लिखते तो आपको इन नंबर मिल जाएंगे द रीज़न इसके अभी मैंने आपको बताया नहीं हुआ लॉसेस के चैप्टर में कि अगर लॉस आ जाए तो उसको डैश डाल के हम लिख देते हैं या फिर कभी फ़ेस पे भी लिखते हैं ये डिस्कशन लॉसेस के चैप्टर की है अभी आप लोगों ने ज़ीरो लिख दिया होगा यहाँ तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने नेगेटिव लिख दिया होगा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे तो कोई मसला नहीं ये टैक्सेबल इनकम आ गई और टैक्स आपका ऑब्वियसली जीरो आ गया तो यह जो न्यूमेरिकल की फेसी थी अच्छा हाँ एक चीज जरूर मैं आपको कहूंगा कि इसमें उसने टोटल इनकम मांगी है टैक्सेबल इनकम मांगी है और टैक्स मांगा है मेरे ख्याल से मैंने सोल्यूशन में भी इसका ध्यान नहीं रखा तो ये ज़रूर कर लीजिएगा कि इधर ना टोटल स्लैश टैक्सेबल इनकम दोनों लिख दीजिएगा ताकि जक़ात वगैरह तो है नहीं ताकि जो है वो नमेरिकल को पेपर दोनों दोनों फिगर्स मांग रहे टोटल भी मांग रहे टैक्सेबल भी मांग रहे लगे लिए दोनों बराबर हैं तो टोटल स्लैश टैक्सेबल लिख दीजिएगा ताकि उसे भी आपने टोटल इनकम भी निकाल के दे दिया ज़ीरो टैक्सेबल इनकम में निकाल के दे दिया हम तो यहां तक पहुंचा ही नहीं था ब्लेंडर <laughs> मारा ना आप लोगों को टैक्सेबल इनकम और टैक्स निकाल के आना चाहिए था जहां के जो फॉर्मेट के थोड़े आग से बरकत के लिए वो तो मिलते डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप रिसीव बाय सारा इन हर रिटर्न ऑफ इनकम सारा को जो स्कॉलरशिप मिलाए तो सारा क्या करे चैप्टर तेरा में लिखा हुआ था स्कॉलरशिप इज एक्ट फ्रॉम टैक्स को याद आ गया था स्कॉलरशिप इज एग्जाम इसको तो तलाक हुई थी मेरे ख्याल से इसकी क्या बात करें आप एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू सारा टू मीट द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन शेल बी एग्जाम में अगर यह आया हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉ एसोसीट होते हैं तो याद रखिएगा एसोसीट के डेफिनेशन में लिखा होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉ एसोसीट नहीं।, नहीं होते तो एसोसीट से अगर स्कॉलरशिप हो सर इतना तो नहीं सोचते हम आवा तंग कर रहे हैं हबाव हमें इतना तो नहीं सोचते हाँ यहाँ एक लिखा हुआ था ना कि एसोसीट से अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो टैक्सेबल है लेकिन याद रखिएगा एसोसिएट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कभी भी एसोसिएट नहीं होते वो एसोसिएट की डेफिनेशन से हमने बाहर निकाल दिया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये बात तो इतना लोगों को याद है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसोसिएट डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया था जिनको याद नहीं वो बाहर निकल जाए अच्छा लगा आ जाना अपने आप से बातें करें अच्छा लगा आ जाना आइंदा भी अगर कभी बुलाएंगे ये तो मैं कोशिश करूंगा आ ही जाया करूँ पता नहीं पहले क्यों नहीं आता था मैं शायद मेरे में मसला है या मेरे में मसला है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन हुआ था पिछले दिनों कॉलेज में उसका क्वेश्चन नंबर वन है क्या कैफ का ये एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है। एक एडजस्टमेंट भी चेंज नहीं की हुई इसमें जो पास पेपर के अंदर सवाल आया था बरकत के लिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन तीस सप्तम्बर तेईस इसका मतलब ये होता है कि आपका ईयर एंड तीस जून तेईस था आप यहां पे खड़े होके बीन बजा रहे हैं 30 सितंबर तेईस इस लाइन का ये मतलब होता है इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है इस लाइन का चेंगनीज सिटीजन चैंगज सिटीजन हैज बीन इन पाकिस्तान सिंस 2015 2015 से पाकिस्तान में आया हुआ है तो कुछ आपने ऐसा नहीं सोचना था कि तीन साल के लिए सैलरी कमाने आया हुआ है सर इतना ना सोचे हम खुदा के लिए हमें ना लेके जाया करें इधर उधर इतना तंग ना किया करें हमें पहले बड़े छिड़े हुए हैं और ना छिड़े हम लंगों को तो ऐसा नहीं है कि ये ये नौकरी करने आया हुआ है पाकिस्तान बट तीन साल से ज़्यादा के लिए आया हुआ है वैसे इसने फ़ॉर इनकम शायद दी थी एक लेकिन वो फ़ॉर इनकम कभी मैं डिस्कस कर लूँगा इन क्या करना है लेकिन ये बात कितने लोगों के जहन में ऐसी रेंडम थाट आई थी कि पाकिस्तान में नौकरी करने आया हुआ है तो पाकिस्तान में नौकरी करने आया हुआ लेकिन ऑब्वियसली तीन साल से तो ज्यादा हो गए हैं कब का आया हुआ है 2015 का जा ही नहीं रहा अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने आया हुआ है चीन का चाइनीज सिटीजन हैज़ इन पाकिस्तान सिंस 2015 फॉर कैरियर ग्रोथ ही लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट विद होप लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी एंड ज्वाइन अ लीडिंग चेन ऑफ होटल्स नेमली डिजायर होटल्स ऑन अक्टूबर बाईस अब ये दोनों एम्प्लॉयर किधर हैं दोनों पाकिस्तान में हैं क्योंकि उसने बताया हुआ है 2015 से ये पाकिस्तान ही आया हुआ है बाहर जाने का जिक्र नहीं किया और सवाल में और कोई ऐसी लाइन लिखी नहीं थी तो दोनों एम्प्लॉय जिसके पाकिस्तान में हैं द डिटेल्स ऑफ हिज इमूलमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज़ फॉलोज सर मैं तो इमोलमेंट पढ़ के रुक गया आगे फिर मैंने सवाल किया ही नहीं इमोमेंट्स तो होते हैं यानी फ़ायदे जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए तो बेसिक सैलरी एच की आ रही है जी साढ़े लाख ओके okay. ये कौन सा एम्प्लॉयर है पहला एम्प्लॉयर है दूसरा सैलरी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तीन से दूसरा एम्प्लॉयर की सैलरी साढ़े चार लाख इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे नाइन से हूँ ना ना ये सवाल मैंने नहीं कराना सवाल आपको अभी कोई काम का कराते हैं जो पंद्रह बीस मिनट हमारे पास बचेंगे ये सवाल मैंने आपको कराना है फारक सा सवाल था मेडिकल अलाउंस सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे दे चाहे जिस मर्जी एम्प्लॉयर से टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी तक माफ हो जाएगा तो पैंतीस हजार जरब तीन वॉज मेडिकल अलाउंस पैंतीस हजार पैंतीस हजार जरब तीन वॉज मेडिकल अलाउंस एंड टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी वॉज एग्जाम इसका मतलब है सारा एग्जाम साठ हजार जरब नो साठ हजार जरब नो, वॉज मेडिकल अलाउंस हाउ एवर द एग्जैमट वॉज फोर जीरो फाइव ट्रिपल जीरो नेक्स्ट यूटिलिटीज अलाउंस ये जरब तीन ये जरब नो लंच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट सब्सिडाइज रेट पर मंथ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को ये लंच इतने का पड़ा तो ये दस हजार रुपया सैलरी में एड हो जाना था जरब तीन इसलिए कि पर मंथ लिखा हुआ है कहीं कहाँ लिखा हुआ है पर मंथ पर मंथ तो दस हज़ार लेकिन अगर आप होटल में नौकरी कर रहे हैं और फिर आपको लंच मिले फिर हमने पढ़ा था माफ़ है तो ये दूसरा एम्प्लॉयर कौन था होटल तो ये जो दूसरे एम्प्लॉयर का लंच था इसको आप हजरत ने माफ़ करना था दूसरे एम्प्लॉयर का लंच हम ढूंढते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में तो इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर के अंदर सैलरी पढ़ते हुए हमने सैलरी को कहा था कि सैलरी तुम क्या चाहते हो तो सैलरी ने कहा था कि अगर आप होटल में नौकरी कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो पेज नंबर वन ज़ीरो फ़ोर पर ना आएं और आप आ जाएं पेज नंबर वन जीरो फ़ाइव पर नहीं और फिर आप पेज नंबर वन जीरो सेवन से होते हुए सेवन पर रुक जाएं अच्छा जी फ्री और सब्सिडाइज फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स टू इट्स एम्प्लॉइज़ ड्यूरिंग ड्यूटी ऑर्स तो चिंग ने जो कीड़े मकोड़े खाए होंगे वो होटल वाला ने इसको खिलाए हैं पच्चीस हज़ार ज़रब नौ को सैलरी में आपने ऐड नहीं करना था ओके हाँ जी कितने लोग परेशान हो गए थे कि गाड़ी खरीद के लेके दिया या लीज पे लेके दिया हाथ खड़ा करें अच्छा बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना चाहिए था इसलिए कि अगर लीज पे ले इनको ज़रा चुप करा दें इसलिए कि अगर लीज़ पे लेके दी होती गाड़ी तो फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लीज दी होती थी, एंड थी।, किसी काम के थी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना था, वी भी नहीं करना था गाड़ी खरीद के के क्यों इसलिए अगर लीज पे लेके दी होती तो भाई डेटा भी वो वाला देता तो फेयर वैल्यू इसने ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज नहीं दी इसने फेयर वैल्यू इसने ईयर एंड की दी ईयर एंड की फेयर वैल्यू चार भी नहीं डालना होता एंड की फेयर वैल्यू का तो चार भी नहीं डालना होता चार कौन डालता है अमरूद का चार डालते हैं कोई कोई भी नहीं डालता तो ये रन के फेयर वैल्यू का चार भी नहीं डालना होता तो इसलिए फिर गाड़ी खरीद के ही लेके दी होगी एम्प्लॉयर ने बहरहाल मुझे पता है आप लोगों ने इधर उधर सोचा नहीं होगा कॉस्ट पे चिख दिया होगा आप लोगों ने आगे मैं ख़त्म होगी बात लेकिन इसको तीन बटा बारह करना था और इसको नौ बटा बारह करना था क्योंकि ये एम्प्लॉयर इतना अच्छा नहीं होगा कि एम्प्लॉय को कहे तुम चले जाओ गाड़ी चलो रख लो बरकत के लिए आगे एनुअल बोनस 2022 के साल का मिला है इसे आपने ऐड कर देना था थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड क्या यार ये पांच परसेंट से तो मल्टीप्लाई करना था ना इतनी भी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जा रहा हूं यार फिर चाबी लेना यार गाड़ी की अच्छा ग्रेचुटी अंडर एन अनएप्रूव स्कीम आन ने या फारा नंबर आई कैफ एफ तोहफे देता है बच्चों को पेज वन जीरो सिक्स पर हमने पढ़ा था अनएप्रूव ग्रेचुटी माफ हो जाएगी पिछहतर हजार और फिफ्टी परसेंट ऑफ पचहत्तर हजार या फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्रेचुटी करते हैं तो इसलिए यह माफ कर देनी थी बोनस बोनस वाली एडजस्टमेंट जनरल रूल है सैलरी पर टैक्स लगता है जब मिले तो बोनस 2022 का इधर क्यों दिया होगा इसलिए किस साल मिला होगा हो सकता है बाईस में ही मिला था तेईस में हां तेईस में ही मिला अल्लाह का शुक्र है इसलिए हम इनकम में डालेंगे इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता है हम पेपर में देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन तो किसी और सवाल के लिए होती है इसे हम इग्नोर कर देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय डीएच डीएच ने जो अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं कौन है नवी सरकार अच्छा डीएच ने अदर बेनिफिट तू रिटर्न एयर कि तू चीन चून टू द एक्सटेंट ऑफ छे लाख फॉर चीन एंड इज बीवी चुंग चुंग फुल स्टॉप बच्चे मीन मून है ही नहीं अभी यार पंद्रह साल हो गए तीन पाकिस्तान आई शादी अच्छा ड्यूरिंग द ईयर ही इनकार्ड साढ़े पांच लाख ऑन अकाउंट ऑफ इज ट्रेवलिंग टू चाइना हिल गए थे थोड़ी देर के लिए ना कि छः लाख को लेना है या साढ़े पांच लाख को लेना है अच्छा जी दो रिटर्न टिकट्स दी हुई हैं और उसमें उसको कहा हुआ है अच्छा एक चलिए आपको मैं मिसाल देता हूँ प्रिंसिपल साहब ने किसी एम्प्लॉय को बुला के कहा कि यार घर वालों को जरा दावत दुवत पे ले जाओ तो पचास हजार तक का खाना खा लेना मेहरबानी मैं आती हाँ <laughs> और बीस हजार का खाना खा के आ गई ये प्रिंसिपल साहब कितने पैसे देंगे <laughs> प्रिंसिपल साहब ने कहा था पचास हजार तक का खा आओ पचास हजार दे के तो नहीं भेजा पचास तक का खा आओ तो ये कितना खा के आए अच्छा एक बात तो सेट कर लिया करें जो किया होता है ना उसे ज़बरदस्ती मुझे ना कहा करें कि करवाएं वही ठीक है ऐसे मुझे देख रहे हैं कि जो आपने किया पहले ज़रा चेहरे सही करें और जो मैं जिस तरह लेके चलना चाह रहा हूँ उस तरह चलिएगा फिर फिर आप जहाँ पे आपने चलवाना है फिर वो चलवा दीजिएगा मुझे तो ये ना असल में इसकी ज़ात का खर्चा है अब आप इस पर अलाउंस का रूल तो लगाना नहीं था लगा बंदा कैश है नहीं अलाउंस का रूल लगेगा तो अलाउंस का लफ्स लिखा होगा तो जो मेरे से ये बहस करेगा कि अलाउंस का लफ्स है तो मैं कहूँगा अलाउंस मुझे दिखाए अलाउंस तो फारह हो गया अच्छा वो पहले देखा है साढ़े पाँच है मैं सुनना ही बंद कर दूँगा अच्छा तो अलाउंस का लफ्ज़ तो यहाँ यूज़ नहीं हो सकता अब आप ये कह सकते हैं कि इसको री इंबर्समेंट है री इम्बर्समेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है सच कि उसने री एम्बर्स किए हैं पहले गया हो फिर री किए हो अब क्वेश्चन इस बारे में खामोश है अब एक जनरल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफ़र की यार यहाँ तक जो मर्ज़ी करो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ वो बेचारा एम्प्लॉय ने कहा यार वो तो है ही खर्चा हमारा थोड़ा सर जी में कितना खा लेते ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने जो है वो बीस हज़ार रुपये का मैंने जाके मटन लैब रोस्ट ऑर्डर किया उसके बाद मैं और बीवी और खा के जो है वो अद्धी लैम्ब उधरी रख के आ गए हम खा ही इतना सकते थे बीस हज़ार रुपये किसे ज़्यादा खा ही नहीं सकते थे अब एम्प्लॉयर ने कहा यार छः लाख रुपये की टिकट हुई ना तो चाना चुना चक्कर लगाना तो एम्प्लॉय ने कहा सर साढ़े पाँच लाख का खर्चा हुआ है तो अब साढ़े पाँच लाख को ऐड करते हैं बिला वजह छः लाख को तो अलाउंस अगर कोई होता तो फिर अगली बहस थी कि अलाउंस का क्या करना है तो ये तो अलाउंस है भी नहीं तो साढ़े पाँच लाख को ऐड करें इस हद तक पचास हज़ार तक खाना खाओ तो तुम एम्प्लॉय ने कहा सर मैं बीस का खाया हूँ फिर एम्प्लॉयर पचास तो नहीं देगा लिखा होता तो फिर वो कहेगा कि एम्प्लॉयर ने उसको दिया है छः लाख और फिर बाकी वापस नहीं मांगा फिर कुछ ऐसी लाइन होती है रीएम्बर्समेंट ये होती है कि रीएम्बर्समेंट समझ लो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं रीएम्बर्समेंट भी हो सकती है बाद में साढ़े पाँच लाख एम्प्लॉई को दे दिया हो या हो सकता है एम्प्लॉय ने डायरेक्ट उसे टिकट खरीद के लेके दे दिया साढ़े पाँच लाख की कुछ भी हो सकता है दोनों में से लेकिन अलाउंस वाले रूल नहीं लगाने फॉर ऑफिशियल ड्यूटी नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी इस तरह नहीं सोचना बहरहाल कोई इक्का दुक्का चीज़ ऐसी आ जाती है ठीक है कोई मसले साढ़े सात लाख सर जी सर जी साडा फ्यूचर है को, कोई मसला नहीं तुम्हें भाई फ्यूचर में सौ सौ सो बटा सौ नहीं लेने फ्यूचर है साडा रुपीज़ साढ़े सात लाख रिसीव ऑन साइनिंग अ बॉन्ड विद डी एच अकॉर्डिंग टू विद चिंग कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर तीस चौबीस ये तो सिंपली ऐड कर देना था इसमें तो कोई मेरी आपकी लड़ाई नहीं चार लाख रिसीव फ्रॉम अ कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट तो कमीशन भी ऐड कर देना था बोनस कमीशन ओवर टाइम ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी थी पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ अट्ठतीस लाख बाय न्यू एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ अट्ठतीस लाख बाय न्यू एम्प्लॉयर लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है लोन पेएबल चीन का कोई लोन पेएबल है ये पे कर दिया नए एम्प्लॉयर ने चीन ने ये लोन लिया था फ्रॉम पुराना एम्प्लॉयर किसी को इस तरह की कोई बात याद हो तो बता दें शे के चैप्टर के एंड पे हमने एक सवाल किया था मुइन ने लोन लिया है साढ़े तीन लाख एमसीबी से फॉर इज डॉटर मैरिज सम इयर्स बैक इन करंट ईयर एम्प्लॉयर पेड दिस अमाउंट टू बैंक एम्प्लॉयर ने ये पैसे बैंक को दे दिए तो एम्प्लॉ का लोन जाति जाति एंप्लॉय का लोन किसने पे किया था हमने सैलरी में ऐड कर दिया था साढ़े तीन लाख यहां नहीं था चलें खैर आगे चलें पेमेंट ऑफ लोन बाय न्यू एम्प्लॉयर द लोन वॉज अच्छा अब मैंने जो आपको सवाल पढ़ाया उसमें ये वाली लाइन पहले लिखी हुई थी असल में हां सो ये तो बात बात आपकी ठीक है यानी ऐसा भी हो सकता है जो लाइन आप पहले लिखी है वो बाद में लिखते हैं जो लाइन तो अब तर इस तरह तर इस तरतीफ से ज़रा पढ़ें चींग हैड ऑफ टेन लोन फ्रॉम पुराना एम्प्लॉयर चींग ने पुराना एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है जैसे सवाल में लिखा हुआ है कि मुइन ने एमसीबी से लोन लिया हुआ है और अगली लाइन आप पढ़ लें ये पे कर दिया है बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय न्यू एम्प्लॉयर न्यू एम्प्लॉयर ने, ने बेनिफिट दिया है ये नए एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है अट्ठतीस लाख सैलरी में ऐड कर देना था आपने ये अठतीस लाख अपनी सैलरी मैड कर अच्छा अब ये डिस्कशन होगी नए एम्प्लॉयर के एंगल से पुराने एम्प्लॉयर के एंगल से एक डिस्कशन बनती थी वो ये बनती थी कि जुलाई अगस्त और सितंबर का महीना तो आप पुराने एम्प्लॉयर के पास नौकरी करते रहे मुझे सोच के बताएं सवाल खामोश है आपके ख्याल से ये पैसे पुराने एम्प्लॉयर ने नए एम्प्लॉयर को किस दिन दिए होंगे अगर सवाल खामोश है अक्ल लगा के बताइएगा पुराने एम्प्लॉयर ने नए एम्प्लॉयर को ये पैसे किस दिन दिए होंगे एक ही जवाब सबकी तरफ से आ रहे हैं ओ हो 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 मैं आगे नहीं पढ़ा मैं कह रहा हूं ये पैसे पुराने एम्प्लॉयर ने नए एम्प्लॉयर को सॉरी उल्टा बोल रहा हूं कौन सारे ऐसे देख रहे हैं कोई एक भी ये ये पैसे नए एम्प्लॉयर ने पुराने एम्प्लॉयर को किस दिन दिए होंगे बोले 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 जिस दिन वो नौकरी छोड़ा था क्योंकि नौकरी छोड़ा होगा जरा विजुलाइज विजुअलाइज कर नौकरी छोड़ा होगा पुराने एम्प्लॉयर के पास पुराने एम्प्लॉयर कहेगा चल गड्डी वापस कर तीन महीने चलाई हमने तीन वोटा बारह कर दिया नए एम्प्लॉयर कहेगा इधर आजा मैं तुझे देता हूं गाड़ी उसने तो ये तीस लाख वाली दी थी मैं तुझे पचास लाख वाली दूंगा इधर आ रशी तू छा ड तो पुराने एम्प्लॉयर ने कहा सर वो मैंने उसने अठतीस लाख रुपया उधार लिया तू चिंग तेरे वास्ते चिंग हाजिर है तू इधर आ अठतीस लाख रुपया लोन चल जा पे किया तेरा लोन मैंने तो किस दिन किस ने किस को बेनिफिट दिया होगा एक अक्टूबर को पुराने एम्प्लॉयर ने कहा होगा हम गल गलत पुराने एम्प्लॉयर ने कहा होगा लोन वापस करो तो नए एम्प्लॉयर ने कहा होगा ठीक है यार मुझे बता दें पुराने एम्प्लॉयर की किताबों में कितने दिन ये लोन रिसीवेबल रहा या आपकी नज़र में कितने दिन तक आप लाइबल फील करते रहे मेरे ख्याल से आप तीन महीने लाइबल फ़ील करते रहे होंगे जुलाई अगस्त सितंबर कि मैंने पुराने एम्प्लॉयर को लोन वापस करना है अब देखना पड़ेगा लोन इंटरेस्ट फ्री है या क्या है ये लोन का आपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था यकम जुलाई उन्नीस को काफ़ी साल पहले हम तो तेईस में खड़े हैं हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट अंडर फाइव ईयर एग्रीमेंट इन रेंटल ऑफ ये तो ये मुझे बात पढ़ने की जरूरत नहीं थी मैं इंटरेस्ट फ्री ढूंढना चाह रहा था माधरा वो तो इसी के अंदर लिखा हुआ था तो ये लोन इंटरेस्ट फ्री है तो पुराने एम्प्लॉयर की एंगल से सोचें कि पुराने एम्प्लॉयर ने आपको कितने महीने का इंटरेस्ट बेनिफिट दिया इस साल तीन, दो तीन, दो तीन महीने का इंटरेस्ट बेनिफिट दिया इस साल तो अब आपने क्या करना था अट्टीस अठतीस लाख को पकड़ना था जरब टेन परसेंट जरफ तीन बटा बारह तो ये कितने लोगों ने किया था ओके समझ आ गया आगे चले आपने इस लोन को किस मकसद के लिए ले लिया है घर बना अच्छा वेरी वंस इन अ ब्लू मून ऐसी एडजस्टमेंट्स आती हैं जिनके दो तीन इंपैक्ट होते हैं सवाल के ऊपर वेरी वंस इन अ ब्लू मून अभी तक इसके दो इंपैक्ट हम पढ़ चुके हैं पहला इंपैक्ट नए एम्प्लॉयर ने आपको खुशी की खबर सुनाई सर कहां से पता चला पेमेंट दूसरा इंपैक्ट पुराने एम्प्लॉयर ने तीन महीने आपको इंटरेस्ट माफ किया सोचें पुराने एम्प्लॉयर ने तीन महीने आपको इंटरेस्ट माफ़ किए रखा क्योंकि आप उसके नौकर थे उसको नहीं पता था आपने कहां जाना है उसने तीन महीने इंटरेस्ट माफ़ किए रखा ये दूसरा बेनिफिट और तीसरी चीज जरा आप सोचनी है हमने कहा था अगर आप एम्प्लॉयर से लोन लें और एम्प्लॉयर से लोन लेके क्या बना लें कोई वही मैं तो बताता हूं कहां लिखा हुआ था अगर आप एम्प्लॉयर से लोन लें और एम्प्लॉयर से लोन लेके कोई प्रॉपर्टी बना लें कोई बिजनेस शुरू कर दें तो क्या इंपैक्ट होगा इसका दैट इज टू बी डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर एट पेज 92 पे वेयर एम्प्लॉय लोन अबटेन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एक्शन दैट इज प्रोड्यूसिंग इनकम इट विल बी एज्यूम डेट एम्प्लॉय पेड इंटरेस्ट इक्वल टू यह समझा जाएगा कि एम्प्लॉय ने बेंच मार्क रेट पे किया है अब आप लोगों ने क्या करना था अब आप लोगों ने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी थी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी थी हमारे साल का किराया जब से घर किराए पे चढ़ा हुआ है हमारे साल का किराया रेंट एनुअल रेंट लिखा हुआ उसने आठ लाख रुपया हाँ हाँ पांच साल का रेंट अग्रीमेंट है अभी एक्सपायर नहीं हुआ हो होगा प्लीज कुछ साइंसदान ना बनो यकम जुलाई उन्नीस तीस जून बीस तीस जून इक्कीस तीस जून बाईस तीसून तेईस तीसौन चौबीस मेरे ख्याल से पांच साल अभी तीस उन चौबीस में पूरे होने तो ये भी कोई फ्राई को कर सकता था कि बीच में रेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता इस तरह का उसने पकड़ पटना नहीं डाला हमारे साल पूरा साल ही घर कराया पे रहा लेस रिपेयर अलाउंस वन बाय फाइव कितना बन रहा है एक लाख साठ हजार लेस इंटरेस्ट ये आपने एडजस्टमेंट की थी इस सवाल में जो मैंने क्लास में कराया था पेज नाइन्टी थ्री पेज 93 के ऊपर ये एडजस्टमेंट हमने की थी कि सैलरी में हमने इंटरेस्ट बेनिफिट ऐड किया था और दूसरे हेड में जाके हमने बेंचमार्क रेट के ऊपर इसको माइनस किया था तो अब मुझे बता दें ये जो नया पॉइंट लगना है इसकी रोशनी में इंटरेस्ट लोन कितना मल्टीप्लाइड बाय लेकिन याद रखिएगा आपने नौ महीने इंटरेस्ट ही पे नहीं किया क्योंकि आपका लोन ही खत्म हो गया तो इधर भी कितने बटा बारह करें तीन बड़ा बारा वट एवर द आंसर मे बी ये जवाब आएगा और डेट विल बी योर इनकम फ्राम प्रॉपर्टी जिन लोगों ने ये नहीं किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको आठ लाख के नंबर मिलेंगे पेपर में उनको रिपेयर अलाउंस के नंबर मिलेंगे पेपर में इस इसका कोई आधा एक नंबर जो मार्किंग सीम में रखा होगा वो कट जाएगा तो नथिंग तो टू तो तो परेशान परेशानी की बात नहीं है ये समझा करें कि जो सेवेंटी एट्टी परसेंट जिसमें सही होगी वो अल्लाह का शुक्र है सही हो गई हैं तो परेशान ना हुआ करें बस लर्निंग हो रही है आज ये चीज़ पता चल गई आइंदा इसका ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट सो दैट वाइल बिफोर गोइंग टू तो आई कैप यू बिकम्स एट्टी नाइनटी परसेंट परफेक्ट बट आई कैप नीड्स ऑनली फिफ्टी परसेंटेंट परफेक्शन अजीब लोग हैं वैसे कहते हैं आधा पेपर सही कर दो तो पास हो जाओगे मैं कभी हैरान होता हूँ अकेले में बैठ कर ना सोचता हूँ आई कैप कहते हैं आधा पेपर पास कर दो पास हो जाएगी यार आधो होगी आधा पेपर नहीं पास हो सकता बंदे से आधा पेपर तो सही हर हर बंदा भी कर लेता है अदर इन्फॉर्मेशन सर कभी आप करके देखें हम बरकत के इशारे पे बैठे थे आई कि अपने कहा चलो तुम तो सी हो गया हाथों ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड सी एन वाई ये सी एन वाई कोई होगी चाइना की करेंसी इकतीस हजार पाँच सौ नेट ऑफ थर्टी परसेंट टैक्स इक्विवेलेंट टू बारह लाख साठ हजार एक्सचेंज रेट नहीं दिया कन्वर्ट करके दे दिया इसलिए काट दें इसको बस रिलैक्स करें एक्सचेंज रेट नहीं दिया कन्वर्ट करके खुद ही दे दिया उसे बारह लाख साठ हजार मिले हैं पाकिस्तान के अकाउंट में बींग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन चाइना चाइना के अंदर कोई बिजनेस है उसका उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है तो बिल्कुल फॉरन सोर्स इनकम माफ नहीं करनी ये तीन साल से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद है बिल्कुल ऐसी बोंगी नहीं मारनी कि फॉरन सोर्स इनकम माफ़ करनी है और मैंने कहा था अगर फॉरन सोर्स इनकम माफ नहीं करनी होती तो करना क्या होता है किसी को याद हो टैक्सेबल भी करना है और टैक्स क्रेडिट भी देना है आप मुझे दो चीजें निकलवा दें सवाल से फिर उनकी मैं ट्रीटमेंट बताता हूं मुझे इनकम निकलवा दें और फॉरेन टैक्स निकलवा दें इनकम निकलवाए जरा पता नहीं बाहर के मुल्क में थर्टी परसेंट रेट होगा किसी चीज पे हमें क्या मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अठारह सो और टैक्स कितना ये ग्रॉस इनकम आई है या नेट है ग्रॉस नेट तो उसने हमें दी हुई थी ये इनकम आ गई और ये कौन सा टैक्स हो गया फॉरेन टैक्स वही काम करना था जो कैपिटल गेन चाइना बिजनेस बिजनेसोपिया में किया ये फॉरेन इनकम थी ये फॉरेन टैक्स था अब इनके ट्रीटमेंट फेस पर क्या करनी थी वो मैं बता देता हूँ इस तरह काम डिविडेंड इनकम में करते रहे हम लेकिन डिविडेंड इनकम में चेक एड करके लेस भी होता है लेकिन ये उस तरह का नहीं है इस पर क्या मिलेगा फॉरन टैक्स क्रेडिट अब 1800 और 540 को सॉल्यूशन में देखें क्या है नेट से नहीं खेलना हमेशा फिगर्स को क्या करना है ग्रॉस करने 1800 सौ देखें नुमेरिकल के फेस पर यह आ गया नुमेरिकल के फेस पर अठारह सौ ये अठारह सौ आ गया नुमेरिकल के फेस पे अच्छा जब फॉरेन टैक्स रेट निकालने की बारी आएगी तो फॉरेन टैक्स कितना हो गया 540 डन भाई ये जरा वो ना फॉर्मेटिंग में ये नीचे आ गया है इस अठारह लाख को ऊपर कर दो तो अच्छा लगेगा देखने में ये पांच चालीस आ गया पांच चालीस पता चल गया कहाँ से है ये और आखिरी चीज़ आपको याद है अगर ये टैक्स बनता है इस पर तो बताओ इस पर कितना बनता है ये तो याद है ना कैलकुलेशन ये पाकिस्तान का थोड़ा ऊपर आएगा फॉर्मेटिंग हट हो जाएगी तो ये जी है अब असूल सुन लें आज कोई भी फॉरन इनकम अगर माफ नहीं है तो दो काम करने हैं इनकम में ऐड भी करना है और फॉरन टैक्स क्रेडिट भी देना है अच्छा जी नेक्स्ट जी ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कैश डिविडेंट ऑफ नाइन डबल सेवन फाइव जीरो रेट ऑफ पंद्रह परसेंट रुक आगे ना कुछ और यहां तक पहले रुक के मुझे ये सॉल्व करवा दें फॉर्मेट अल्लाह का शुक्र है मैं यही रखता हूं ताकि आप कंफर्टेबल फील करें आप छोड़ें हमारी कंफर्ट आप बताए नाइन डबल सेवन फाइव जीरो नेट ऑफ टैक्स नेट ऑफ जक हो ना तब कोई लंबा सा खाता हम खोलते थे x इज इक्वल टू और वो पता नहीं क्या करते थे अगर ये, अगर ये net of tax है सिर्फ तो फिर तो लंबे खाते खोलने की जरूरत नहीं नाइन डबल सेवन फाइव जीरो मल्टीप्लाइड बाई डबल वन आगे ट्रिपल जीरो और टैक्स इंटू पंद्रह परसेंट वन सेवन टू फाइव ज़ीरो एंड का मतलब तो कुछ और है ना आगे कुछ और मिल रहा है उसको देख लेते हैं तो वन सेवन टू फाइव अब ये देख लें एक लाख पंद्रह हज़ार का क्या करना है और वन सेवन टू फाइव जीरो का क्या करना है एक लाख पंद्रह हज़ार एड करके लेस हो गया और दूसरी फिगर कौन सी थी वन सेवन टू फाइव ज़ीरो ऐड करके लेस हो गया फारक फारक सी एडजस्टमेंट थी आगे चलें एंड बोनस डिविडेंट बोनस डिविडेंट लिख लें एग्जैम होता है ये ना मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ था लेकिन मैंने बस जाने दिया था मैंने कहा टेस्ट में दे देते हैं देखते हैं बच्चे कोई अनसीन चीज़ को कोई डैश डाल के इग्नोर करके आते हैं या कुछ करके आते हैं या नहीं क्योंकि अनसीन चीज़ कोई ना कोई आई कैप में भी आनी है ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं हुई थी और टेस्ट के अंदर डाल दी थी तो ये ज़रा देखना चाह रहे थे कि आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो लोग मेरी नज़र में सिकंदर हैं जिन्होंने यहाँ तक सही कर दिया था ये ज़रा हाथ का नहीं यहाँ तक सही कर दिया था तो बस इससे ये साबित हुआ कितने लोगों ने अगली लाइन की वजह से ऊपर वाला पढ़ के थोड़ा शेकी हो गया और ऊपर वाले को भी प्लस माइनस कर दिया ठीक है ये तरह से ये तरह आपने मसला एड्रेस करने की कोशिश करें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो जितनी जैसे पढ़ी उतनी तो सही करें बोनस डिविडेंड होते हैं मुफ्त में आपको शेयर मिल जाते हैं शेयर शेयर पैसे नहीं मिलते है। बोनस डिविडेंड होते हैं मुफ़्त में आपको शेयर मिल जाते हैं तो ये हमने किसी दिन क्लास में पढ़ना है इनका मिलना इनका में ऐड नहीं होता किसी ज़माने में ऐड होता था बल्कि अभी जो बजट आया है जो अगली टेम्प वालों के लिए उसमें भी हुकूमत ने इस पर टैक्स लगा दिया लेकिन वैसे ये टैक्सेबल नहीं होता बोनस शेयर्स का मिलना ये बात आपको बतानी थी क्लास में एंड बोनस डिविडेंड ऑफ दो हज़ार पाकिस्तान स्टॉक चेंज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ बोनस शेयर वॉज इतने हा एवर इट्स ईयर एंड उनकी फेयर वैल्यू इतनी है तो ये इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे ये बोनस शेयर्स की फेयर वैल्यू दी भी है छः लाख रुपया उसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी है ओए होए कैश में दे दिया है तो टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा या नहीं होगा लिखा ही नहीं हुआ कैश में दी है किस में दी है बैंक अकाउंट में दिया तो अल्लाह का शुक्र है ये अलाउ हो जाएगा टैक्स क्रेडिट पहले फॉरन टैक्स क्रेडिट मिलेगा या ये वाला दिस इज द वर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन बाय आई कैप इन इट्स हिस्ट्री द रीजन इज कि ये जो आपका लॉ है ना अभी वाला इससे पहले एक लॉ था उस लॉ में लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स माफ़ होता था अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते ना तो उस पर टैक्स माफ़ होता था अब वो सेक्शन हो गया हुआ था डिलीट तो डिलीट हुए हुए सेक्शन को टेस्ट करना है कि आपको कोई राइट नहीं है कि जो सेक्शन डिलीट हो गया उसे भी आप टेस्ट कर रहा हो बहरहाल बहुत से बच्चों ने इसको डैश डाल के इग्नोर करा है पेपर में तो उनको इसका बेनिफिट मिल गया होगा लेकिन ऑब्वियसली टैक्स क्रेडिट की वाली जगह तो डैश डाल के इग्नोर नहीं किया होगा क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसने क्या करना है इसका तो एक बात याद रखिएगा कि हाँ बस क्या बोगी मारी उसमें आपको कैसे कन्विंस करूँ और उसको जस्टिफाई है आपको मैं नहीं कर सकता तो पुराने पुराने कई कई चीज़ों पर टैक्स क्रेडिट मिलता है कईयों पर नहीं मिलता आपको एक चीज़ बताऊँ आपको याद है हमने सेक्शन सिक्सटी के बाद सिक्सटी पढ़ा था yes, तो सेक्शन सिक्सटी होता था टैक्स क्रेडिट फॉर लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स माफ़ होता था वो सेक्शन डिलीट हो गई उसके लीव इट अप मार्क्स आपके तो कट जाएंगे ऑब्वियसली लेकिन आई भी काटेगा अब क्या कर सकते हैं ऐसी चीज़ों का हाल नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास अभी वाला लॉ पढ़ने पहले बड़ी बात है पिछले सारे दस सालों के लॉज निकाल के पढ़ाएं वो फिर अजीब सी बात होगी ओके अब हमारे पास बच गए हैं चार मिनट चार मिनट में हम कुछ ऐसा करें कि वालदे आश कर उठें जी अल्लाह हाफ